नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। पानी गिर रहा है, गाड़ी के ऊपर पानी की बौछार पड़ रही है, तो बहुत तेज आवाज आ रही है। और बगल में आपको दिख रहा होगा एक हाईवे जो कि नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के साथ साथ ये है ग्रेट ईस्टर्न रोड जो कि मुंबई से कोलकाता को जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि गुजरात से कोलकाता रोड भी है, मुंबई के लिए अलग से डाइवर्ट हो जाता है, पर फिर भी इसको मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे ग्रेट ईस्टर्न रोड आप बोल सकते हैं। जो कि ये जो पार्ट है ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है। ये जो रोड है, ये जो हाईवे है, फोर लेन हाईवे है, ये दुर्ग सिटी के बीचों बीच से निकलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बगल में फ्लाईओवर ओवरब्रिज का काम चल रहा है जो कि कुछ सालों या कह लीजिए 7 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये भारतमाला योजना के अंतर्गत बन रहा है। और ऐसे हाईवे के साथ आपके शहर में भी ऐसा होगा कि कोई बड़ा हाईवे शहर के बीच से निकलता है या अगल बगल आबादी बस गई है। बगल में सर्विस रोड है जिसमें आपको साइड में पूरे ये डॉक्टर की शॉप है, एक साथ ही बिल्डिंग है बगल में। सबसे बड़ी समस्या आती है इन हाईवे के साथ कि आपको पार्किंग की दिक्कत। अभी देखिए मैं हाईवे के किनारे ही हूँ, कहीं और जगह नहीं है। मेरे जो पिताजी हैं वो डॉक्टर के पास अभी गए हैं। तो शहरों में बहुत जरूरी हो जाता है कि एक प्रॉपर वे से आगे आने वाले समय के लिए प्लानिंग हो। अगर ना हो सके तो जो ब्रिज है, ओवरब्रिज है, या कोई दूसरा जो अल्टरनेट है, वैकल्पिक चीजें हैं, वो हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारतमाला योजना के अंतर्गत ही ये जो दुर्ग रायपुर के बीच जो ग्रेट ईस्टर्न हाईवे निकलता है, इसके लिए एक बहुत लंबा बाईपास बन रहा है। उसकी जो दूरी है लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है, जो कि नया रायपुर, रायपुर और साथ ही ये दुर्ग भिलाई के बाहर से निकलेगा, जो कि काफी अच्छी पहल है। इस हाईवे में आपको लोग उल्टे साइड आते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे, कुछ बाइक वाले, कुछ कार वाले भी उल्टे साइड से आते हैं। थोड़ा अवेयरनेस की कमी है यहाँ लोगों को। तो इस तरीके से मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए। तो ये भारतमाला योजना के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बगल में बन रहा है। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।